ज्योति है, ज्योति कहिया से है, शादी हुआ तब से आज तक तो पति पत्नी, कहाँ तलाक हुआ था? जब तलाक नहीं हुआ है तो पति पत्नी ही है ना। अक्षरा सिंह जी खुश होंगे इस चीज को देख के। वो जाने उनका काम जाने, उनका विषय में ना पूछो, वो अलग है, अपना उनका अलग चीज है। अच्छा, इन दिनों ज्योति सिंह जी से आपकी बातचीत होती है? हमारी हमेशा बात दोनों से होती है, पवन सिंह जी और दोनों परिवार से बात, दोनों परिवार परिवार से बात होती है। अच्छा, परिवार से बात, हमारा ये नहीं है कि उनसे पर्सनली कुछ है, हमारा पारिवारिक संबंध है, रोज परिवार से बात होती है। पवन सिंह जी के तरफ से बीआईबी विजेंद्र सिंह जी को कॉल वॉल आया, रात वही आया तभी हम बोल रहे हैं। हम पवन के नाम से खा पहले पवन के आदमी में आई एगो ज्योति के नाम से, ज्योति के तू नहीं चाह पवन सिंह जब से स्टार बने तब से लेके आज तक खुला कैमरा पर कह रहे हैं कि उनसे एक रुपया का हमको फायदा नहीं है। पवन सिंह से हमारा कोई फिल्मी फायदा नहीं हुआ, तब पर भी वो मेरा छोटा भाई है, उसके लिए दुख में भी खड़ा है, सुख में भी खड़ा है। जब वो अच्छा करता है तो मिठाई भी बांट रहे हैं, जब वो खराब डिसीजन लेता है तो उसके एंटी भी बोलते हैं, उसके लिए भले हमको कितना भी गाली सुनना पड़े। पवन सिंह के पास रहे गुड्डू भाई, मैंने को आप लोग जानते होंगे पवन सिंह, गुड्डू भाई के मैसेज आई कि भाई खातिर हम फोन करते नहीं है कि तारा के बोल दिया कि पवन भाई भी कॉल है कि विजेंद्र के बोल दा, तो वह हम भाई बोल दें तो हमारा के प्रवक्ता रखल बा लोग इंडस्ट्री का बात बोल दें, लेकिन इतना रिस्पेक्ट जरूर कर ला कि हम कोनो अगर बात बोल देनी ओकरा के काटे ला इंडस्ट्री में केहू ना, ओकरा के खंडन केहू ना करेला कि विजेंद्र खराब बोल लेगा। बेकार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में हूँ आप सबका भाई गौरी शंकर, इस वक्त मैं पटना में हूँ और आज हमारे साथ जो शख्स नजर आ रहे हैं इनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बीआईबी विजेंद्र सिंह जी हैं और जिन्होंने भैया लगातार पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी के एक होने के लिए कंटिन्यू वीडियो बनाए थे और आज हम इनसे बातचीत करने के लिए आएंगे क्योंकि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ नजर आ रहे हैं, तस्वीर में वायरल हो रही है। सबसे पहले भोजपुरी नेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के दिल से धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम चंगा मस्त। अच्छा, आज मैं आपके ऑफिस में आया हूँ और इत्तेफाक से मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे मिठाई भी रखा हुआ है, थोड़ा मिठाई का डब्बा दिखेगा। मिठाई रखा नहीं रखी यार। देखिए मिठाई भी है, जे न्यूज वाला हो तो अगर मिठाई की बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मिठाई भी है, हम तो चाहेंगे पहले आप भी थोड़ा खाइए। हम ढेर खा लेते, शुगर हो जाए। थोड़ा 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 पवन के नाम से खा पहले पवन के आदमी में आई एगो ज्योति के नाम से, ज्योति के तू नहीं चाह मिठाई चलाए हैं। तो अभी हम इनके ऑफिस में हैं और देखिए मिठाई खिला रहे हैं हम लोग को। एक मिनट रुक जाइएगा, देख लीजिए लोग हमी का लगन में का होला। घर पे जब शादी ब्याह होला ना तो देखा नहीं कि फूफा ढेर खिसियातर है तो उनका इतना ले जाए लोग चुरानवा दे दी, लोग फौकिया फाक लिया, अब बोलिए तो फर्द नहीं निकली, अब वो बांध दी तो चुप रही है। कोई नहीं, बट मिठाई खाने के बाद भी हम इनसे सवाल पूछेंगे। और अच्छा, आपको कैसा लग रहा है सबसे पहले पवन सिंह ज्योति सिंह एक हो गए? कैसा क्या लगना, ये मेरा पारिवारिक, आप भी जानते हैं कि पारिवारिक हमारा बात है, दोनों परिवार को हम पारिवारिक तरह से जानते हैं और एक परिवार में थोड़ा सा मनमुटाव रहा, मनमुटाव खत्म हो गई, एक हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, सवाल ये आ रहा है कि सबसे बड़ी बात, जो लोग कहते थे कि कभी ज्योति सिंह पवन सिंह एक नहीं हो सकते हैं क्योंकि जो चीजें घर से बाहर कोर्ट तक चली जाती है, ठीक है, और आपका, आप एक हमेशा से उम्मीद लेकर कहते थे कि मैं एक करवा दूंगा पवन सिंह ज्योति सिंह जी को। देखिए, जब सब लोग कहते थे कि पवन खेसारी एक नहीं हो सकते हैं, उस समय में मैं बोला था दोनों एक है, तो बहुत जल्दी एक होंगे, आज एक है बिल्कुल। जब सब लोग कहते रहे कि खेसारी और प्रमोद प्रेमी एक ना हुई है, दोनों में झगड़ा बा, दोनों एक भैले, जब सब लोग कहते रहे कि ओ घरिया, आप लोग उस समय नहीं थे कि मनोज तिवारी और रवि किशन में 36 का अंतरा है, दोनों एक साथ हैं, इस सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि पवन और ज्योति एक ना हुई है। हम उस समय भी डंके पे चोट करते थे कि ये दोनों एक हैं, एक हुई है का, ये दोनों पति पत्नी हैं, कोर्ट में चलो चाहे कहीं चलो, ये तीसरे के कारण, कान भरने के कारण ये थोड़ा सा अलग हुआ, कोई इसमें कोई ये नहीं था कि हम कहनी कि दोनों आदमी खाली बैठ जाओ और दोनों का परिवार बैठ जाओ तो एक हो जाइए, हमें विजेंद्र की जरूरत नहीं है, हमें तीसरा की जरूरत नहीं है,
उहे भाई दोनों आदमी है, दोनों परिवार लखनऊ में बैठल लोग, एगो सुखद फोटो आई पहला बार 3-4 साल में उ मीटिंग भइल, उ फोटो आई जो पवन सिंह और ज्योति के ना होके वो पति और पत्नी के फोटो रहे। क्या बात, उस फोटो में आप देखिए आपको नहीं लगेगा कि पवन जबरदस्ती खिंचवा रहे हैं या ज्योति जबरदस्ती खिंचवा रही है, उसमें लग रहा है कि पति पत्नी एक साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। अच्छा एक और सवाल, सबसे बड़ा बात, पवन सिंह जी का जो डीपी होता है वो अपने माँ के साथ डालते हैं, और ये जग जाहिर है कि पवन सिंह जी अपने माता जी से बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद अचानक सा डीपी चेंज होता है, अपनी वाइफ के साथ फोटो आता है, एकदम वही मुस्कुराता हुआ चेहरा के साथ। अच्छा माई के ख्वाहिश का बाकी हमारे बेटा के घर बसे, ये ना ख्वाहिश रहना, तो बेटा के घर बसे तो मेहरारू के फोटो लगा दे ले तो आज तो खुश बड़ी। बिल्कुल। दूसरा का बावे कि हमारा घर में हमारा नाती हमारा गोदी में आके पेशाब करो, जिसके दादा के गोदी में कोई नाती आके पेशाब करता है तो वो सबसे मांगलिक कार्य हम लोग को हमारे समाज में कहा जाता है, इसको शुभ माना जाता है। तो ऊ तो जहिया ऊ हो तो ओकर डीपी लगा दी है, तो माई के कहना अनुसार वो डीपी लगा होता रहे, ये थोड़े बाकी माँ के हटा के लगा होता रहे, माई के इच्छा रहा कि हमारे बबुआ के घर बस जाओ, हमारे बबुआ खुश हो जाओ, तब बबुआ के जब घर बसल तो माई के कहला से डीपी चेंज कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पवन सिंह जी कहते थे कि माई के सपना जरूर मैं पूरा करूंगा, क्योंकि पिताजी का तो मैं नहीं कर पाया सपना, लेकिन माई के सपना जरूर पूरा करूंगा। पिताजी के भी देखिए, हमनी के धर्म के अनुसार हमनी के कोई आदमी मरेला ना, हमनी के लोक में जानी सर, ए लोक से दूसरे लोक में जानी सर, वहां से भी उकर आत्मा हमनी के देखेला, काहे तो ओ लोग के आशीर्वाद ना रही तो हमनी के जिंदा ना रहती सने जी, हमनी के अच्छा काम ना करी। लोग देखे नी कबो आप कोई अच्छा काम करिएगा तो पब्लिक क्या बोलता है, लागत है कि नीमन खानदान से बा, एक पूर्वज नीमन रहले ऐसे नीमन काम करता है, एक मतलब पूर्वज का नाम से आपका नाम चलता है। चाहे आप कोई गलत काम करिएगा तो लोग कहते हैं कि देखो इनका घर कितना निमर है, यही देखो कितना बेलूरा हो गए। तो वही है, जहां भी वो है वहां से जब देखेंगे तो उनको खुशी होगा और उनका भी सपना पूरा होगा। बिल्कुल। अच्छा माता जी का सपना पूरा हो गया, अब क्या लगता है सब चीज सही होगा जिस हिसाब से अभी फोटो चीजें सब देखिए सब सही बात, बहुत जल्दी रोगा। ये पवन सिंह के ये चीज ना हो कि हर बात के आके वो मीडिया में बोलत, चाहे हर बात अपना के प्रूफ दे, पवन सिंह में ना शुरू से नहीं है। बहुत जल्दी घर में मांगलिक कार्य कोई होगा, उसमें पति पत्नी माई बाबू भाई सब लोग के फोटो एक संग आई, देख नजर आएगा सब लोग आई। बिल्कुल बिल्कुल। और कह रहे थे, कहते हैं ना कि और इसी वजह से अब लोग जो लंचन लगा रहे थे कि पवन सिंह जी चुनाव नहीं जीतेंगे, चाहे उनका घर परिवार ही नहीं सही लग रहा है, क्योंकि आप भी एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि सबसे पहले अपने बीवी को आप लाइए तब इन सब चीजों में। देखिए क्या था ना कि पवन सिंह पर उंगली उठाने का किसी के पास कोई वर्ड नहीं था। पवन सिंह महादेव है, पवन सिंह बहुत अच्छा गाना गाता है, भगवान ने पवन सिंह को सब कुछ दिया है, ऐसा कोई चीज नहीं जो पवन सिंह के पास नहीं आज के डेट में। एक जगह मार खा जाता था परिवार, वहां कोई भी ऐरा गहरा आके उन पर उंगली उठा देता था। तो ये पीड़ा हमें भी होती थी, ये पीड़ा पवन को भी होती थी, ये पीड़ा ये हम पवन बोलते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि पवन बोलता है, पवन जी काहे नहीं बोलता है, ए भाई हम पवने उनकरा के बोलले बनी, वो हमरे से छोटा है। अच्छा पवन सिंह। हाँ आ वो हम पवने बोलले बनी, पवने बाबू बोलले बनी, आ पवने सिंह बोलले बनी, हम ये सब ना ज्यादा जाने नहीं। आ पवनो सिंह को इंटरव्यू में कहले रहले कि हमारा जिस पुरानका संहतिया मिले ला तो हमरा से पवने बोले ला तो हमरा अच्छा लगे ला। तो हमारा पवने बाबू बोले में ठीक लगे ला भाई। जब आप किसी को जी लगा के या बहुत ज्यादा अंदर घुस के करिएगा ना तो उसमें छल आता है, उसमें आपका स्वार्थ नजर आता है कि आप उससे कुछ चाहते हैं। देखिएगा बहुत सारे लोग पवन भैया पवन जी पवन बॉस ये कह के लाए ला, फायदा भइल तब ले जी जी, फायदा ना भइल तो वे लोग गाड़ी देवे लगे ला। तो हमसे तो हमको तो आज तक तो फायदा नहीं हुआ। पवन सिंह जब से स्टार बने तब से लेके आज तक खुला कैमरा पर कह रहे हैं कि उनसे एक रुपया का हमको फायदा नहीं है, पवन सिंह से हमारा कोई फिल्मी फायदा नहीं हुआ, तब पर भी वो मेरा छोटा भाई है, उसके लिए दुख में भी खड़ा है सुख में भी खड़ा है, जब वो अच्छा करता है तो मिठाई भी बांट रहे हैं, जब वो खराब डिसीजन लेता है तो उसके एंटी भी बोलते हैं, उसके लिए भले हमको कितना भी गाली सुनना पड़े। बिल्कुल, ये काम है भाई का। यही स्वार्थ रहता तो कभी उसके पक्ष में बोलते कभी विपक्ष में बोलते।
ये स्वार्थ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ज्योति सिंह जी जो बयान दे रही थी ठीक है, उस बयान के बीच में जो लोग कुछ लोग कह रहे थे कि ज्योति सिंह को बहकाया जा रहा है, बहुत सारा ऐसा ऐसा मामला आया, तो कौन थे वो लोग जो बीच में चाह रहे थे कि इनका परिवार ना बस। अब क्या है, अब क्या है ना कि अब बहुत चीज पॉजिटिव हो गई, तो अब जे ओकरा के खराबो करके चाहता ओकरो के मिठाई खियाओ, ओकरो के धन्यवाद बोला ठीक बा। अब ये सब छिया ले दरना, अब सही हो गई बा। आ जब ये सब होखे लगल तब हमार एगो स्टेटमेंट आई रहे, आप सुन ले होके चाहे देख ले होके, कि आज के बाद पवन सिंह और ज्योति में से केहू एक शब्द ना बोली। ये करीब हम नवंबर लास्ट दिसंबर में बोले थे जब ज्यादा इंटरव्यू होने लगा था, उसके बाद से लेके आज तक एक वर्ड ना ज्योति बोली होगी ना पवन सिंह बोले होंगे, ना पवन सिंह के खास अपने पर्सनल जो लोग हैं वो बोले होंगे। इतना तो इज्जत रखा सबने, उसी इज्जत का रखने का कारण है कि आज 2-2.5 महीना होते होते परिवार बसने के कगार पे आके खड़ा हुआ। मामला सामने आ रहा था कि अक्षरा सिंह जो है ज्योति सिंह का कान भर रही है, चीजें बता रही है, ये सब चीज क्या? हम ना जानते हैं किसी को इस मुद्दा पे, कुछ ना बोल इस मुद्दा पे कोई बात नहीं। क्या अक्षरा सिंह जी खुश होंगे इस चीज को देख के? वो जाने ऊपर काम जाने, उनका विषय में ना पूछो, वो अलग है, अपना उनका अलग चीज है। अच्छा, तो इससे जो सही कार्य हुआ, ऐसे कई सारे लोगों को, अरे अभी शुभ काम बा, बहुत अच्छा चीज चला था हमें। अच्छा नहीं, इसी शुभ काम में सब बहुत लोगों को बुरा लग रहा है ना, बुरा लगे तो वो मिठाई खाओ, तो कहनी है ये बुरा लगे तो हमनी के उस परंपरा से आते हैं जहाँ भगवान राम को वन भेजने वाली मंथरा को भी भगवान राम आए तो माँ कह के पुकारे थे, हम उस परंपरा से आते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, जो बुरा लग रहा है उसके भी प्रति हमारा प्यार है। आज तक किसी को जवाब देते हमको नहीं सीखिएगा, नहीं नहीं, वो तो बच्चा है सब, वो नहीं जानता, इसलिए। अच्छा, जो आज तक ज्योति को गाली दिया, आज क्या कैसे किस मुंह से भाभी कहेगा, लेकिन उसके लिए भी मेरे दिल में माफी है कि चलो जो हुआ हुआ, अभी से मान जाओ किसी का परिवार बस रहा है, अच्छा चीज है। बिल्कुल अच्छा, क्योंकि इन दिनों ज्योति सिंह जी से आपकी बातचीत होती है, हमारी हमेशा बात दोनों से होती है, पवन सिंह जी और दोनों परिवार से बात, दोनों परिवार परिवार से बात होती है। अच्छा, परिवार से बात, हमारा ये नहीं है कि उनसे पर्सनली कुछ है, हमारा पारिवारिक संबंध है, रोज परिवार से बात होती है। पवन सिंह जी के तरफ से बीआईबी विजेंद्र सिंह जी को कॉल वॉल आया, रात वही आया तभी हम बोल रहे हैं, हम हमरा के भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रवक्ता बना देले बा लोग, अपने बोली लोग ना कोनो मुद्दा और विजेंद्र ते बोल देता, हमरा लगे 12 बजे रात के आई रहे, फिर सवेरे आई ल हम रोड़ा के ज्यादा तो ना, लेकिन एक चीज हम सुना दे कि हम नाम में पढ़िए मत आई ल भाई जी, एगो अच्छा न्यूज बा, यही से रात से फोन करते नहीं, तो सब लोग पवन सिंह सब लोग एक जगह रहे, तो कहा विजेंद्र कह दे, हम तो रात में फोन उठा नहीं ना, 12 बजे रात हो गई रहे, 11:22 में आई रहे सब, तो 4-5 गो कॉल आई, तो हम भाई रात खन हम 10 बजे सूत जानी, पहले बोल दे तनिया 5 बजे उठे नी, तो फिर सवेरे देखनी मैसेज आई बा पवन सिंह के पास रहे, गुड्डू भाई मैंने को आप लोग जानते होंगे पवन सिंह, गुड्डू भाई के मैसेज आई कि भाई यही खातिर हम फोन करते नहीं है कि तारा के बोल दिया, पवन भाई भी कहले कि विजेंद्र के बोल दा, तो उहे हम भाई बोल दें, तो हमरा के प्रवक्ता रखल बा लोग इंडस्ट्री का बात बोल दें, लेकिन इतना रिस्पेक्ट जरूर करला कि हम कोनो अगर बात बोल देनी ओकरा के काटेला इंडस्ट्री में केहू ना, ओकरा के खंडन केहू ना करेला कि विजेंद्र खराब बोल ले बा, ये से इतना विश्वास हमरा पर रखेला लोग कि हम बोली, तो अभी हम बोलत आई, देखो हमारे सब भाई बा चुप बड़ा सर, कोनो बोलत नहीं कर सर चुप बड़ा सर, और बहुत जल्दी मांगलिक जब कोई कार्य होगा उसमें पूरा परिवार एक साथ जब फोटो आएगा वीडियो आएगा फिर सब बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लगातार अच्छा कुछ लोग तो ऐसे थे जो मैं मीडिया से हैं, मैं नाम बता दे रहा हूँ, नाम हम ना धरिए छोड़िए, कुछ लोग ऐसे थे जो ज्योति सिंह जी के साथ रह के पवन सिंह जी के बारे में लगातार उल्टा पुल्टा, क्योंकि ज्योति सिंह जी उतना ही बोलती थी जितना चीजें सही होती थी, लेकिन वो एक का चार कर करके मीडिया पे लगातार पवन सिंह जी के जो छवि को ध्रुमिल करने का काम करते थे उनके लिए स्पेशली क्या कहेंगे? उसके लिए एक उदाहरण है, यूक्रेन और रशिया दोनों भाई है, एक साथ जन्म लिया, एक ही साथ रहा, दोनों आज लड़ रहे हैं, किसके चलते? अमेरिका के चलते, बम कौन दे रहा है? अमेरिका, कह रहे हैं मार, दोनों बेवकूफ लड़ रहे हैं, वही हाल था यहाँ, तीसरा बम
बारूद भेजता था, ये दोनों आपस में लड़ते थे। तो तीसरे के कहल में आप हम कोई आएगा ना घर टूटेगा। अच्छा। कभी भी भाई भाई में झगड़ा आज तक नहीं हुआ है जब तक तीसरा कोई उसमें घुसा नहीं है। कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में झगड़ा हो ही नहीं सकता, शक आ ही नहीं सकता है जब तक तीसरा कान आके भर ना दे। तो इस तीसरे को जैसे साइड आप करना सीखिएगा तो हमने के भोजपुरी में कहावत है, बूझ के बाज हो चाहे बाज के बूझ हो, मैंने बाजे के एक बार बढ़ी बार, मैंने धोखा एक बार खाए के बाद तो अंगूरी फूटी तब तो नीचे ताके लगभ, चाहे नीचे ताक के चलब तो अंगूरी फूटी, एक बार अंगूरी फूटी जरूर। बिल्कुल। अच्छा अब क्या लगता है, पवन सिंह जी का पारिवारिक जो है मामला सुलट गया है, अब सांसद की ओर पवन सिंह जी कदम रख रहे हैं, तो क्या इस चीज को लेके क्या कहेंगे, क्या उसके विषय में बाद में हम लोग बात करेंगे। राजनीतिक मुद्दा थोड़ा सेंसिटिव होता है। देखिए फोन आओ तो ज्योति सिंह उठाई उठाई काहे उठा ले, ज्योति सिंह जी का कॉल भी आ रहा है अभी देखिए। अच्छा ज्योति सिंह जी कॉल कर रही है आपको किस लिए है ये बताइए, हमको लग कुछ बधाई। अरे हमारा घर है भाई, बधाई इसमें कौन बधाई दे, कहिया पति पत्नी ना रह लो। आप लोग न्यूज बनाते हैं कि पति पत ज्योति है, ज्योति कहिया से है, शादी हुआ तब से आज तक तो पति पति, कहाँ तलाक हुआ था, जब तलाक नहीं हुआ है तो पति पत्नी ही है ना। अच्छा हाँ बिल्कुल, ज्योति पत्नी है, वो पति है, तो आप लोग न्यूज बनाने वाले मीडिया मीडिया में आके ना लोग छोड़िए ना, नहीं मीडिया में आया क्या हुआ, जो हो गया हो गया, होता रहता है, बाप बेटा में झगड़ा हो गया था का खून हो जाए, नहीं है एक संग बैठी होत रहेला थोड़ा बहुत चलत रहेला, सबके बुला के जो पॉजिटिव चीज है उसको पकड़िए, छोड़ दीजिए और चीज। बिल्कुल। अगर पवन सिंह जी ज्योति सिंह जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, वो लोग कही हमारे के धन्यवाद। हमारे छोट हलो, हमारे घर का परिवार हलो, वो लोग कही लो धन्यवाद वीआईपी भाई। हम उनका लोग क्या कहें, बिल्कुल हम कहें ये हो कि कान तनी सुख अपना मेहरारू ये रखो, मेहरारू के कहें कि तुम्हारा दियो रखो, हेने मत रखो पूरा पश्चिम में तो गड़बड़ आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप पवन सिंह जी भी साथ फिर से कह लीजिए तो एक नए जिंदगी की शुरुआत। अरे दोनों आइए सन आइए लोग ना, हमारा वीआईपी हवेली पर दोनों अभी आइए, पूजा पाठ रखवाए, दोनों आइए सन देखिएगा, सब परिवार हो गए सन आइए सन। बिल्कुल। दर्शक से क्या कहेंगे आप? दर्शक देखिए पहलू घर में मत पड़ी, मस्त रही व्यस्त रही, जो अच्छा लगे वो देखी बस। बहुत बहुत धन्यवाद, इस वक्त हमारे साथ वीआईपी विजेंद्र सिंह जी थे, जिन्होंने लगातार आप लोगों ने इनको देखा होगा कि भाई पवन सिंह जी ज्योति सिंह जी को लेके बयान देते थे, और अभी जो है मामला सही आ रहा है, इन्होंने मिठाई भी बांट रहे हैं और मिठाई रखे हुए हैं, जो भी आ रहे हैं मिठाई खिला रहे हैं, और ये भी आज बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, खुशी का राज आप लोगों ने इन्होंने बता ही दिया है। तो आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आपको भी कैसा लगा ये खबर, बने रहिएगा बीएन के साथ, मैं हूँ आप सबका भाई गौरी शंकर, धन्यवाद।